हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे कि आप जानते हैं, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूँ, जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है, जिसमें बहुत सारा कंटेंट होता है जो आप स्पोकन इंग्लिश के लिए अपना यूज़ कर सकते हैं। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट आपकी डेली की बन जाएगी, अगर कंटिन्यूसली फॉलो करते हो तो। अगर आपको ये न्यूज़पेपर जो पहले द हिंदू का फर्स्ट पेज का आर्टिकल है, उसी पे पहला आर्टिकल हम देख रहे हैं, और अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ लेनी है या बहुत सारे न्यूज़पेपर की, तो द हिंदू इन करके टेलीग्राम चैनल है, वो आपको मिलेगी। स्कूल ऑफ हैप्पीनेस टू टेक रूट इन असम। तो यहाँ पे बात हो रही है स्कूल ऑफ हैप्पीनेस, जो स्कूल हैं जो कि खुशी के हैं, जो खुशी बांट रहे हैं, टू टेक रूट, वो जड़ें बना रहे हैं अपनी, टेक रूट इन आसाम, असम में अपनी जगह बना रहे हैं, जड़ें बना रहे हैं। यहाँ पे बात की है ट्रेंड कम्युनिटी काउंसलर्स। काउंसलर कौन होता है? तो सलाह देने वाले होते हैं, सलाहकार होते हैं, काउंसलिंग करते हैं, इंटरेक्टिंग, ये इंटरेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेक्ट होता है किसी के साथ, इंटरेक्शन, अपना तालमेल मिलाना, मेल मिलाप करना विद दी विलेजर्स, विलेजर्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ट्रबल्ड बाय दी कॉन्फ्लिक्ट, जो एरिया ट्रबल्ड, जिनको प्रॉब्लम दी गई है बाय दी कॉन्फ्लिक्ट, किसके द्वारा ये ट्रबल्ड हैं, किसके द्वारा, कॉन्फ्लिक्ट्स के द्वारा, जो विवाद चलते रहते हैं, इशू चलते रहते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बता दूँ तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये आप सोचो, ये एरिया है आसाम का, ऐसी सेफ है आसाम की। यहाँ पे कुछ एरिया हैं, ये इस पोर्शन में, इस जो आसाम का ये एरिया है, इसमें कुछ एरिया है, इनमें कुछ जगह का नाम है जो पहले उसको बोलते थे बोडोलैंड टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, BTAD। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब वहाँ पे एडमिन करते हैं, डिवीजन भागों में बांट दिया गया है। कुछ एरिया है यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट के नाम है, कोकराझार नाम है इसका, कोकराझार, चिरांग, उदालगिरी एंड बक्सा, ये यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम है, और ये बोडोलैंड टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी बोलते हैं। तो इसका आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और मैं आपको एक बता दूं बात, यहाँ पे बोडोलैंड लिबरेशन फ्रंट, बोडोलैंड डेमोक्रेटिक लिबरेशन फ्रंट एक पार्टी रहती है, जो कि एक रंजन नाम के आदमी ने, रंजन दैमार नाम था इसका, रंजन नाम के आदमी ने बना रखी थी, जो कि सबको परेशान करता है। और वो यहाँ पे जैसे मुस्लिम है या कोई भी आउटसाइडर माइग्रेंट्स हैं, बांग्लादेशी है, उनको परेशान करते थे, बोडोलैंड डेमोक्रेटिक लिबरेशन फ्रंट के हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होती है, तब आपको पता है 1971 में ये से पहले, मतलब ये जो बांग्लादेश का एरिया है इधर, ये किसके अंडर में था, ये पाकिस्तान के अंडर में था, 1971 में बांग्लादेश बना था। तो यहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड कम्युनिटी थी, ये इतना आपको डिटेल में बता दिया क्योंकि ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रह सकता है। तो यहाँ पे उसके 1993 में फर्स्ट बोडोलैंड अकॉर्ड हुआ था, मतलब सहमति हुई थी, फिर भी ये नहीं माने थे जो BDLF वाले बंदे हैं, रंजन हैं, और ये कंटिन्यू इन्होंने इंसर्जेंसी स्टार्ट कर रखी थी, कॉन्फ्लिक्ट मतलब वहाँ पे बने रहते थे। तो यहाँ पे बात हो रही कि उनको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे स्कूल बनाए गए हैं, जो विलेजर को पढ़ाएंगे, उनको कॉन्फ्लिक्टेड हिट एरिया हैं, क्योंकि फाइनली 2020 में आपको पता है थर्ड बोडोलैंड अकॉर्ड हुआ था 2020 में, उसके बाद ये पीस मेंटेन हो गई है, क्योंकि इसको भी जो ये रंजन है, रंजन को बांग्लादेश की शेख हसीना 2009 में गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने यहाँ पे पुल कर दिया था, मतलब यहाँ पे धक्का दिया था, एक्सट्राडाइट कर दिया था वहाँ से, एक्सट्राडाइट होता अपने देश से भगा देना, तो एक्सट्राडाइट कर दिया, और यहाँ पे इंडिया ने उनको कॉन्फिस कर लिया और उनसे एग्रीमेंट ले लिया 2020 में, और इनको ऑटोनॉमी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी है, बोडोलैंड ADC ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मतलब जो शेड्यूल 6 है अपने संविधान के अंदर, शेड्यूल 6 के अंदर उसको ऑटोनॉमी दे दी गई है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए इसके बारे में, जो कि आप मेन्स आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे और जो इससे 1993 में फर्स्ट बोडो अकॉर्ड हुआ था, उसके 2003 में सेकंड बोडो अकॉर्ड हुआ था, क्योंकि इसमें जो सेकंड 2003 में हुआ था सेकंड बोडो अकॉर्ड, उस टाइम पे एक और चीज़ आ गई थी, नेशनल लिबरेशन टाइगर फ्रंट, मतलब तो वहाँ पे ये ऐसे NLFTF के नाम से भी एक ऑर्गेनाइजेशन आ गई थी, जो भी इनका साथ देते थे BDLF वालों का, रंजन का, बट उसको 2003 में क्रश कर दिया था और उसके साथ अकॉर्ड बना दिया गया था, बट ये लास्ट तक ये रंजन चलता रहा। 2009 में जब गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट, वो वहाँ पे बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट आई, उन्होंने यहाँ पे दिखा दिया, जो कि इंडिया की फेवरेबल गवर्नमेंट थी, इससे उसको कंट्रोल पर हुआ, नहीं तो ये क्या था, इनके लिए सेफ हेवन था, बांग्लादेश में जाके ये रिजाइड करते थे और यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। तो यहाँ पे स्कूल टीचर वहाँ पे अपनी बात कर रहे हैं, काउंसलर एज ए काम कर रहे हैं,
तो यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इस तरह का पहला स्कूल फॉर इम्पार्टिंग लेसन्स, इम्पार्ट करना बांटना। जैसे मैं आपके साथ नॉलेज बांट रहा हूँ, आई एम इम्पार्टिंग नॉलेज अमंग यू, तो आप लोगों के बीच में सेम ऐसे ही इम्पार्टिंग लेसन्स, ये लेसन दे रहा है, पार्ट दे रहा है जो सीखने के हैं ऑन ह्यूमैनिटी। ये क्या दे रहे हैं? ह्यूमैनिटी पे, मानवता पे, एंड सोसाइटल हैप्पीनेस, सोसाइटी में कैसे, समाज में कैसे खुश रहा जा सकता है, विल टेक रूट इन दी बोडोलैंड टेरिटरी रीजन। तो इनको जो BTAD बोला मैंने, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, इनको BTR भी बोलते हैं, अभी BTR बोलने लगे हैं, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। तो यहाँ पे बोडो जाति के आदमी रहते हैं इसलिए बोडोलैंड बोलते हैं, बोडो नाम के जाति के आदमी रहते हैं इसलिए बोडोलैंड बोलते हैं। टेरिटोरियल रीजन ऑफ असम एट द डॉन ऑफ 2023, डॉन मतलब जब स्टार्टिंग होती है, सुबह की आभा को बोलते हैं डॉन ऑफ 2024 में, यहाँ पे खुशी ह्यूमैनिटी वगैरह बांट रहे हैं ये। द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस इज स्कीम इज शेड्यूल, शेड्यूल मतलब इसको बनाया गया, प्लान किया गया टू बी लेड, मतलब इसको रखना है आगे, इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी इन एट बिजनी इन चिरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न असम। तो चिरांग उसी में से है जो डिस्टर्ब एरिया मैंने बता दिया था, कोकराझार के पास ही है, बक्सा थोड़ा सा नीचे है, उदालगिरी थोड़ा सा उस साइड में है, तो इसी एरिया में है। तो वन ऑफ द फाइव BTR, ये मतलब जो मतलब एक जगह है जो उसमें से बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में से ये एक जगह है चिरांग, वहाँ पे एक इंटरनेशनल स्कूल खोल दिया जाएगा टू बी लेड इन द डाउन ऑफ द 2024। द प्रोजेक्ट वुड बी इनिशिएटेड, देखो यहाँ विल होता तो कन्फर्म होता बट अब फ्यूचर का किसी को पता नहीं रहता, तो इसलिए इन्होंने वुड यूज किया, वुड बी इनिशिएटेड किया जाएगा आफ्टर ए ईयर ऑफ प्लानिंग बाय द बोडोलैंड। देखो ये पैसिव फॉर्म है, वुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं तो वुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आ सकता था, बट वुड बी इनिशिएटेड पैसिव फॉर्म है क्योंकि बाय दी जो ये करेंगी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है जो ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोलते हैं जिनको, ये इनोग्रेट करेंगे आफ्टर ईयर प्लानिंग, एक साल के बाद ये करेंगे, विच एडमिनिस्टर्ड द BTR, जो कि ये बोडोलैंड टेरिटोरी काउंसिल है ये एडमिनिस्ट्रेट करती है, मैनेजमेंट करती है, प्रबंधन करती है, किसका प्रशासन का काम करती है, BTR का, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, जिसको पहले बोलते थे बोडोलैंड टेरिटोरियल डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बोलते थे। तो ये आपको पता चल गया होगा डिटेल, आगे चलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ दिस काइंड, इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो विवाद चला हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग, देखो यहाँ पे हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, मतलब पीछे टाइम से एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग एट दी हार्ट रेंचिंग, हार्ट को दिल दहला देने वाला, रेंचिंग होता है जैसे रेंच आपने सुना हो, पाइप रेंच बोलते हैं, तो रेंच जो घुमा देने वाला, दिल को दहला देने वाला, हार्ट रेंचिंग फॉर द रीजन, रीजन के लिए ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं बहुत बुरे। द एरिया नाउ अंडर द BTR वेंट थ्रू ए सिमिलर फेज ओवर 50 ईयर्स ऑफ मूवमेंट फॉर स्टेटहुड, आपको पता है जो ये स्टेटहुड के लिए पर्टिकुलर ऑटोनॉमी मांगते हैं, स्टेटहुड के लिए 50 साल में BTR के अंडर एरिया था जो उन्होंने स्टेटहुड के लिए बहुत कॉन्फ्लिक्ट झेले हैं, हार्ट रेंचिंग इवेंट हुए हैं। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर, जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है काम करने वाले, एग्जीक्यूटिव के तौर कार्यान्वयन करने वाले, तो प्रमोद बोरो सेड ऑन सैटरडे कहा है द BTR एरियाज हैव हैड ए हिस्ट्री ऑफ एक्सट्रीमिज्म होता है उग्रवाद, रिजल्टिंग इन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक मतलब एक कम्युनिटी को लेकर, जैसे अपनी जाति को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुए, विवाद हुए, स्पेशली बिटवीन द बोडो के बीच में, इन द लार्जेस्ट प्लेन ट्राइब इन द नॉर्थ ईस्ट में सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है ये, सबसे ज़्यादा मिलते हैं माइग्रेंट मुस्लिम के बीच में, एंड बिटवीन द बोडोज एंड आदिवासीज के बीच में, हंड्रेड्स वर किल्ड, सैकड़ों मारे गए, वर किल्ड, देखो पैसिव फॉर्म है, वर्क के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता, बट जो यहाँ पे वर्क के बाद थर्ड फॉर्म आई है, तो इसका मतलब ये पैसिव फॉर्म है, वर्क किल्ड बाय एंड सो मारे गए थे, एंड जैसे जैसे बोलते हैं ना कई बार भाई कितने मारे गए, तो हाउ मेनी वर्क किल्ड, कितने मारे गए थे, तो वैसे ही ये वर्क किल्ड एंड मोर देन 5 लाख पीपल डिस्प्लेस मतलब उन्होंने जगह छोड़ दी, इमिग्रेंट बन गए, वहाँ एक जगह, मान लो इमिग्रेंट क्या होता है, किसी जगह पे आने वाले, ये आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, जो डेमोग्राफी की टर्म है, इमिग्रेंट आने वाले, एमिग्रेंट जाने वाले, डेमोग्राफी में यूज होती है टर्म, तो ज्योग्राफी की टर्म है, तो डिस्प्लेस इन मेजर कम्युनल हो, जो कम्युनिटी को लेके क्लैशेस हुए, विवाद हुए 1993 में, 2008 में, 2012 में, ये विवाद होते रहे। मिस्टर बोरो सेड, उन्होंने कहा, वो अब की सेकंड फॉर्म में पास्ट में कहा, दैट आइडिया ऑफ ए स्कूल स्पेशलाइजिंग इन पीस बिल्डिंग एंड स्प्रेडिंग हैप्पीनेस हैड जर्मिनेटेड, देखो सीड जर्मिनेटेड होते हैं, देखो उसको कितना अच्छे से यूज किया है यहाँ इंग्लिश में, हैड जर्मिनेटेड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, और हैड जर्मिनेटेड इसने उगा दिया है, जैसे अंकुरित होते हैं ना वो, स्प्राउटेड होते हैं, जैसे इसने पैदा कर दिया है
सिंस हिज पार्टी द यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल, जो उसने अपनी पार्टी का नाम बताया यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, फॉर्म द बीटीसी, उसने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाई है गवर्नमेंट विद द बीजेपी, बीजेपी के साथ, एंड गन सुरक्षा पार्टी 3 years ago, जो गन सुरक्षा पार्टी 3 साल पहले बनाई थी, क्योंकि 2000 में ये 2000 में थर्ड बोडो अकॉर्ड के बाद ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई थी, और वो जो कि बीजेपी के अलायंस में है, और इनमें क्या होता है, शेड्यूल 6 में होते हैं, शेड्यूल 6 में होते हैं। शेड्यूल 6 में क्या होता है, अपने संविधान के जो बुक में शेड्यूल 6 है, तो शेड्यूल में से ये बात 6 में ये बात की गई है, AMTM आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ये इनको तो 6 शेड्यूल में दिया जाता है, इनमें कुछ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं डायरेक्ट, ये ट्राइबल आदमी होते हैं, इन पे हम डायरेक्ट अपने संविधान के रूल लागू नहीं करते, इनको ऑटोनोमी दी जाती है, थोड़ा सा ये अपने आप के लिए रूल बना सकते हैं, कोई भी इंडिया का लॉ लगने से पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की परमिशन चाहिए, तभी ये इन लोकल आदमियों में ये चीज़ों को लागू करने देते हैं। तो ये बात है अपहोल्डिंग कोएग्जिस्टेंस, अपहोल्ड करना, जैसे आपने कोई बात कही उसको रखना, बनाए रखना, कोएग्जिस्टेंस मतलब कोएग्जिस्टेंस, सब सम्मिलित रह के रह सकते हैं, साथ साथ में रह सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव वाज टू इंस्टिल, इंस्टिल होता है किसी चीज में अंतर्निहित करना, बोलते हैं ना कि आई वॉन्ट टू इंस्टिल द फीलिंग ऑफ लव इन यू, तो सेम इंस्टिल किसी में अंतर्निहित करना, इन यूथ जवान लोगों में, एंड कम्युनिटी लीडर्स में, द ह्यूमन वैल्यू, जो मानवता की वैल्यू है, फॉर को एग्जिस्टेंस इन द रीजन एंड द कंट्री इनहेबिटेड बाय द पीपल ऑफ डाइवर्स फेथ्स, डाइवर्स अलग अलग फेथ रहते हैं, तो को एग्जिस्टेंस हो सकता है, सब इकट्ठे रह सकते हैं, ये नहीं कि लड़ाई मुद्दों में फंस गए। कल्चर्स एंड लैंग्वेज एंड एथनिसिटी अलग अलग रहती है, ऑल इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, वी फेल्ट दैट, हमने महसूस किया, सच वैल्यू नीडेड फॉर्मल स्कूलिंग थ्रू विच ए टीम ऑफ पीस एम्बेसडर, तो इनकी जो फर्स्ट ट्रॉफी है इसमें है, ये इनकी बात की हुई है, जो ये बंदे हैं, तो जो बोर्डो के लीडर हैं, ये बोल रहे हैं कि वी फेल्ट दैट, हमने सच वैल्यू ऐसी फील की, नीडेड फॉर्मल स्कूलिंग, उनके लिए फॉर्मल वे से जो ऑफिशियल है औपचारिक रूप से स्कूलिंग चाहिए, थ्रू विच ए टीम ऑफ पीस एम्बेसडर, ये पीस एम्बेसडर हैं, काउंसलर जो हैं, कैन बी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं टुवर्ड्स रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एट द मैक्रो, जो स्मॉल लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे, ही सेड, उसने कहा, बंदे ने कहा ये, जिससे बात हुई थी रिपोर्टर की। आई होप आपको समझ में आया, बहुत ही सिंपल और मतलब अच्छा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेन सेंस राइटिंग में भी बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करा दिया मैंने आपको, ताकि आप अच्छे से लिख सकें। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय।